और अब आ गए हम भंडारे में। बढ़िया भीड़ होते हुए जबरदस्त भीड़ लग चुकी है। जैसे ही मैं कैमरा शुरू करती हूँ मम्मी अपना दुपट्टा ठीक करने लग जाती है। बन गई सब्जी। ओ माय गॉड, दिखने में कितनी लाजवाब लग रही है भाई, बहुत ही ऐसा लग रहा है पनीर। गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसे कि कल रात को मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा बताया था कि आज हमारे गांव में एक कलश यात्रा है, जहाँ की है भंडारा है, रात को बहुत सारी चीज़ें और मैं आज मायके भी जाऊँगी। सो फिलहाल ये चले गए हैं और जाके बनाती हूँ मैं खाना। आज बनाऊँगी टिंडे की सब्जी, थोड़ी बहुत रेसिपी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ और फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। ऐसे तो मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया है, सूट भी प्रेस कर लिया है जो मैं पहन के जाऊँगी, क्योंकि आज बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा आज धुंध भी है, तो इसीलिए मैं सूट ही पहन जाऊँगी। और फिर मेरे नेल्स वाले भी आ जाएंगे, तो आज बहुत सारी चीज़ें होगी। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं सीधा किचन में और उसके बाद जाएंगे रेडी होके। टिंडे की सब्जी, टिंडे की सब्जी इज ऑल टाइम फेवरेट और इतनी अच्छी बनेगी ना ग्रेवी वाली, मजा आ जाएगा देख के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चॉपिंग से, फटाफट बनाते हैं। मम्मी जाएगी जॉब पे और मम्मी ये रही जल्दी जाकर ना खाओ सही है। अभी क्या करते हैं देखो, तो ये वाली रेसिपी मैंने आप लोगों को पहले बताई हुई है, मैं वापस बताती हूँ, बहुत बड़ा टेस्टी बनेगी, स्वाद आ जाएगा खा के। ये है अनियन टमाटो को मिक्सर में कर लेना, ये मसाले हैं, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर नहीं है मेरे पास, गरम मसाला खत्म हो गया, अगर गरम मसाला है तो ले लेना, मेरा कल ही खत्म हुआ है। और ये है 2 स्पून बेसन, क्योंकि मेरे पास 4 अनियन थी, अगर आप पास 2 अनियन है तो 1 स्पून ले लेना, ठीक है। अब हो गया है हमारा ऑयल गर्म, एक तरफ क्या करेंगे इनको टिंडो को शैलो फ्राई करेंगे और एक तरफ अपना तड़का लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक जिसको याद है रेसिपी वो मुझे बताना, कि फिर पता चलेगा कि आप लोग कितने पहले से देख रहे हो। और जो लोग न्यू हैं, वैसे तो काफ़ी सारे लोग पुराने वाले भी बचे हैं मेरे पास आई नो, तो चलो फटाफट लगा देते हैं हींग विंग डाल के बढ़िया सा तड़का, ठीक है। तो देखो अनियन हो गई है और इस तरफ मैंने फ्राई कर ली, फ्राई नहीं बोल सकते देखो, क्योंकि बहुत कम ऑयल है। इसमें मैंने डाली हल्दी, लाल मिर्च और नमक, ताकि अच्छे से इसमें मसाला डल जाए। अब ना इसमें हम थोड़ा डालेंगे अनियन में ही बेसन, जो मेरा 2 स्पून था, इससे ना बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। मुझे याद है मैंने ये वाली रेसिपी, मुझे लग रहा है मैंने जब भी टिंडे बनाए ना बाद में, तो ऐसे ही बनाए मैंने, वैसे तो कभी नहीं बनाए नॉर्मल तड़के से, कभी भी नहीं, हमेशा ये वाला बनाया और बहुत अच्छा बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, लगता भी नहीं है कि तुम लोग टिंडे खा रहे हो, तब तुम खाओगे ऐसा लगेगा पता नहीं क्या ही खा लिया है ना ऐसे, पता नहीं आप सबको तो भी इतना ही अच्छा लगता है, मुझे ही ज़्यादा लगता है अच्छा, कोई नहीं। पर मुझे क्या करना है, अब 1-2 मिनट चलाने के बाद अब इसमें टमाटो डाल देंगे, ठीक है। 2 मिनट्स आपको इसमें रखना है, तब तक ये हल्का हल्का हो जाएगा। अब देखो जो मैंने डाला था ना ये मसाले, इसमें पानी डालेंगे और इसको हल्का सा पानी डाल के बनाएंगे, सारे मसालों को मिला लेंगे। हाँ बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और डाल लो, थोड़ा सा पतला बन जाएगा, ठीक है। और ये डालेंगे, उसके बाद डालेंगे, तब ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा ना, मसाले 2-4 मिनट के लिए अच्छे से पक गए हैं, तब डाल देंगे टमाटो प्यूरी अपनी और अपनी मिर्चे, बस मिल गया। मैंने एक बार छोले बनाए थे ऐसे, अब डाल देते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2 मिनट के लिए चलाएंगे, तब तक हल्के से मसाले पक ना जाए, ज़्यादा मत चलाना। और फिर अपनी टमाटो की प्यूरी डाल दूंगी मैं, पहले बता रही हूँ स्टेप, और अपना ग्रीन चिली। आफ्टर 10 मिनट्स मैंने ढक के अच्छे से पका लिया और हमारे टिंडे भी हो चुके हैं, जो मैंने निकाल लिए हैं प्लेट में, और ये भी अच्छे से बिल्कुल हमारा मसाला जो है वो भुन गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने टिंडे जो है इसमें डाल देंगे। ओके और गर्म पानी आप डालना, जिस हिसाब से आपकी ग्रेवी है आप उस हिसाब से डाल लेना। तो ये मेरा पहले मैं डालूंगी पूरा 1 कप, क्योंकि मेरे थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी ज़्यादा बनाती हूँ मैं टिंडे वाले, मैंने एक दो बार बनाया तो मुझे आइडिया हो गया कि हाँ जितनी ज़्यादा ग्रेवी होती है उतना ज़्यादा अच्छा लगता है टेस्ट।
ठीक है, तो अब मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ी देर के लिए इनको पकने देंगे। उसके बाद इसमें आगे जो मेन टच है वो स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा और गाढ़ी लग रही है ना, तो मैं और भी डाल लेती हूँ अपने हिसाब से, आप अपना अकॉर्डिंग देख लेना जैसे आपको ठीक लग रही हो। जैसे देखो अभी भी थोड़ी गाढ़ी है, तो थोड़ा सा पानी और डाल लेती हूँ मैं। चलो थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गई है, मैंने 15 मिनट्स के बाद करी है, तो बढ़िया मसालेदार, मतलब मुझे जैसा मुझे चाहिए ना बिल्कुल वैसी बनी है ग्रेवी एकदम। अब डाल देंगे थोड़ा सा आमचूर और कसूरी मेथी और मलाई, फटाफट डालूँ ताकि वीडियो ज़्यादा सुबह सुबह की वीडियो इतनी लंबी ना हो, क्योंकि आज सुबह पूरा दिन धमाल करेंगे हम सुबह से शाम तक, आज बढ़िया व्लॉग बनेगा इसीलिए। बाद में मेरा मन करेगा तो मैं घी डालूंगी जब सब्जी पूरी रेडी हो जाएगी। फिलहाल इतना अब इसको मिला देंगे और लो फ्लेम पे 2-3 मिनट पकने देंगे, सब्जी हो जाएगी रेडी और फिर डाल दूंगी धनिया। बहुत बढ़िया, अब इसमें कलर हो जाएगा एकदम चेंज, जैसे कि रेड रेड था ना, अब देखना कलर कितना चेंज है। बन गई सब्जी, ओ माय गॉड दिखने में कितनी लाजवाब लग रही है भाई, बहुत ही ऐसा लग रहा है पनीर बनाया, लग नहीं रहा टिंडे बनाए, किसी के बच्चों को खिला दो सोचेंगे पनीर ही बनाया, सही है रोटियाँ बन रही है, चलो बना लो। ओके, सो खाना बन गया, रोटी बन गई, सब कुछ हो गया, अब मम्मी भी क्या कर रही है रेडी हो रही है और मैं भी रेडी होती हूँ और फिर जाएंगे सीधा मंदिर पे। सो रेडी, ये वाला सूट मैंने आज हेयर वॉश भी कर लिया और बढ़िया से स्वेटर वेटर पहन के, तो चलते हैं सीधा, उठ गए कलश, हम लेट हो चुके हैं। चलो मम्मी भी रेडी है, मम्मी तो बिल्कुल ऐसा मैं लेट होती हूँ, मम्मी टाइम बचाती है। चलो तो हम छत पे आ गए, बुआ की यहाँ तो साफ दिखेगा क्या क्या आ रहा है, पूरे गांव के लड़के हैं, ये होता तो बढ़िया रहते। हाँ
सो आप देख सकते हो इस टाइप ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे गाने चल रहे थे काफ़ी सारे, बहुत अच्छा लग रहा था। इतने ना रौनक आ जाती है बहुत अच्छा, मतलब 250 या से भी ज़्यादा लेडीज़ थी और इतने ज़्यादा लड़के जेंट्स सब थे, मतलब राधा कृष्ण बने हुए थे, हनुमान शिव जी सब कुछ बने हुए थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा सुदामा भी बना हुआ था, तो बढ़िया लग रहा था एकदम। देखो आप कितनी पीछे तक भीड़ होती है, झांकी भी निकल रही थी, सब कुछ हो रहा था यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा था। तो मैं तो इसलिए यहाँ पे आ गई थी इस घर के ऊपर ताकि मैं सब कुछ दिखा सकूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकूँ और यहाँ से साफ दिखता। नीचे खड़ी होती तो इतना साफ नहीं दिख पाता। अब आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पे डांस कर रहा सुदामा। आप देखो आगे और यहाँ पे आप देख सकते हो शिव जी भी है उस तरफ। शिव जी और हनुमान तो इतने सुंदर लग रहे थे, मतलब बिल्कुल ही अच्छे कॉस्ट्यूम वो पहने हुए थे उन लोगों ने, बढ़िया। और मुझे तो सिर्फ ये वेट था कि रात को देखते हैं कैसा क्या फंक्शन होगा। ये हमारे जो घर परिवार के है, मेरी जो जेठानियाँ लगती है वो हमें मिल गई थी, इसलिए मैंने उन पर जूम कर दिया। वो बुला रहे थे नीचे आ जाओ, लेकिन नीचे इतनी भीड़ थी कि मुझे पता था मैं नीचे गई और यहाँ चाची भी दिख गई, चाची मेरा बढ़िया डांस करते हुए इसीलिए मैं नीचे नहीं गई क्योंकि मुझे से कोई दिखता नहीं है अच्छे से। अभी ये सब डांस ही कर रहे हैं और बहुत सारे, मतलब हमारे आसपास के घर परिवार के सब ने ही कलश उठाए थे, सब ने ही उठाए थे, मतलब मेरी सास और मैंने नहीं और ज़्यादातर चाची ने भी उठाए थे। तो अब देख लिया आप आगे कलश आते हैं। तो मैं आ गई एंड बहुत बढ़िया था एकदम, इतनी पॉजिटिव वाइब्स और बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा। चलो अब रीज़न मैं बताना चाहती नहीं हूँ, मेन रीज़न ये भी था कि छोड़ो नेक्स्ट टाइम उठाऊंगी। अभी एक तो मेरा हो चुका था, सेकंड होता था तो मेरे दोनों जोड़े हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं। और अब मैं वापस सामान पैक करना शुरू करती हूँ, ये अपने बैग निकालती हूँ और ये मेरे हस्बैंड आएंगे, उससे पहले मुझे सब कुछ पैक करना है क्योंकि फिर मेरे नेल्स वाले भी आ जाएंगे इसीलिए, और शायद हमारे घर आज कोई मेहमान भी आए, आप देख लेना कौन आएगा। तो चलिए टाइम फॉर स्टार्टिंग, टाइम फॉर पैकिंग दोबारा से। जैसे ही मैं कैमरा शुरू करती हूँ मम्मी अपना दुपट्टा ठीक करने लग जाती है हमेशा। ठीक है तो सब कुछ पैक हो गया, अब हम जा रहे हैं खाना खाने। सब कुछ मैंने रख दिया है, ये डस्ट बीन में जाएगा, चप्पल याद दिला देना बस। आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 बैग हो गए मेरे, मुझे लगता है 6 दिनों के लिए 5 बैग थोड़े हैं, बहुत है ना। और कुछ कभी पड़ेगी तो फोन कर दूंगी, भिजवा देना है। तो अब हम जा रहे हैं सीधा मंदिर खाने के लिए भंडारा, और थोड़ी थोड़ी सी सेवा भी करवा दूंगी, टाइम लगेगा तो मेरे नेल्स ले जाएंगे। तो चलो चलते हैं मंदिर। मम्मी आप लाइट बंद कर नहीं सकते बाद में, चलो भाई। पापा तो वहीं पे ही है और 1 बज गया है। अब बाहर ऐसा मौसम है जैसे कि किसी भी टाइम मम्मी बारिश आ गई तो फिर हम तो फंस जाएंगे, कम से कम छाता तो ले लो। बताओ आज तो बारिश, आज तो भगवान खूब बरसेंगे, खुश हो रहे क्योंकि भगवान, क्योंकि हमारे मंदिर में श्याम बाबा की जो मूर्ति स्थापित जो हो गई। चलो भाई चलते हैं।
निकलते ही देखो बारिश आ गई, दादी के पास जा रहे हैं हम। जो ये वाला मंदिर है तो दिखाया था मैंने आपको, वो दूसरा है। मुझे लग रहा है आज के दिन के दो व्लॉग बनेंगे क्योंकि हम बरसात में फंसने वाले हैं। और मैं बोल ही रही थी मम्मी आपको कि होएगी बारिश, छतरी ले चलो, देख लो आ गई, चलो भागो। वो राम मंदिर है मम्मी, अब इतनी भीड़ ना हो जाए कभी, भीड़ तो नहीं होगी अभी। चलो फिर बढ़िया है, तो हम ममता दी खास जा रहे हैं मंदिर में। आप देख रहे हो सामने जो पंडाल है, ये रात को जो जागरण होगा ना उसके लिए लगा हुआ है। यहाँ से दिखाते कैसे क्या होगा, रात को जाएंगे तब पता चलेगा, अभी फिलहाल चलते हैं। दादी छतरी नीचे, दादी भीग जाएगी इसलिए, मैं तो कुछ ना भीगने वाली भाई। चलो तो ये रात का है, कितना बड़ा देखो पीछे तक, बहुत बढ़िया। ये रात का वो लगा हुआ है स्टेज, और यहाँ है आगे मंदिर। हो गई आरती और अब भंडारा शुरू हो गया, यहाँ कन्या पूजन भी हो गया इस तरफ। यहाँ पे कन्या पूजन होने के बाद भंडारा शुरू, अब जाएंगे बाहर। और बारिश आ चुकी है बाहर बढ़िया तेज, और अब आ गए हम भंडारे में। बढ़िया भीड़ होते हुए, जबरदस्त भीड़ लग चुकी है जेंट्स की तरफ भी। फुल भंडारा है, जो लास्ट टाइम था ना भंडारा, सेम वहीं पे ही लगा हुआ है। चलो अब चलते हैं, बारिश है, फटाफट खा लेते हैं फिर घर चलेंगे। तो मिल गया खाना बहुत सारा। चलो बड़ी भीड़ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मिल गया सबको, आराम से मिल रहा है। आ गई मैं घर, बहुत बढ़िया। राधे 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 लिख दिया हर सारी जगह मेरे, इतनी बढ़िया रौनक थी, इतनी पब्लिक थी, सुन रहे हो आप, बहुत भीड़। सुबह मैं गई तभी भी कलश यात्रा स्टार्ट हुई बिल्कुल सही टाइम पे। अब मैं गई, आरती हो रही थी, आरती ली बिल्कुल सही टाइम पे, मस्त खाया। भीड़ थोड़ी सी थोड़ी मतलब कम थी, पेठा आलू खीर और पूरी, मैंने आलू पूरी और खीर खाई थोड़ी सी, और फिर आ गई खाली खाली में, मजा आया, नो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। मम्मी भी आ गई, मम्मी और मेरे मुझे टाइम पे भी मिल गया, और बढ़िया भी मिल गया, और गर्म भी था और स्वाद भी, भीड़ भी थी। चलो मेरा टीका आज हाल वीडियो में बहुत साफ दिख रहा है आपको, पता नहीं कब से बारिश हो रही है, कब से बारिश हो रही है। मतलब हमारा जागरण जो था वो भी आज नहीं होगा ड्यू टू हैवी रेनफॉल, क्योंकि हो ही नहीं सकता भाई। तो चलो
रुको कोई आया मैं लेके आती हूँ।